जिला कांगड़ा के शिक्षा खंड फतेहपुर के प्राथमिक सहायक अध्यापकों ने शनिवार को एसटीएम फतेहपुर बीसी मंडोत्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज 19 जून 2019 के सरकार के फैसले का विरोध किया। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड फतेहपुर प्रधान बलवीर संधु के नेतृत्व में दिए गए लिखित ज्ञापन के जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि उन्हें 10,300 जमा ग्रेड पे जमा डीए जमा वार्षिक वृद्धि दी जाए। इस दौरान करीब दर्जन भर पैट अध्यापक शामिल रहे। सर, आपने आज एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भेजा है, किस उपलक्ष्य किस बारे में? सर, ये प्राथमिक सहायक अध्यापकों की मांग थी कि हमें जो बाकी कैटेगरी के सभी को नियमित अध्यापकों समान वेतनमान दिया गया है, तो सरकार ने हमारे साथ ये वादा किया था कि आपकी ये मांग पूरी की जाएगी, लेकिन सरकार ने हमें 27,000 रुपये फिक्स करके धोखा किया हमारे साथ। तो इसके संबंध में हमने चरणबद्ध तरीके से सभी जो है ज्ञापन दे रहे हैं, तो इसी की कड़ी को पूरा करते हुए हमने भी ये आश्वासन दिया है। तो इससे पहले क्या, अभी तो 27,000 सरकार ने तय किया, इससे पहले क्या देती थी सरकार आपको? इससे पहले हमारे पास 22,143 था, किंतु इसमें हमारे साथ में 3% की वार्षिक वृद्धि थी, लेकिन जो पे स्केल था वो नहीं था। तो जो बाकी कैटेगरी थी उनको बेसिक प्लस ग्रेड पे का और 144% का डीए था, तो उनको ये सभी का उनकी मांग पूरी की गई है, लेकिन जो प्राथमिक सहायक अध्यापक थे उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। तो इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए और हमारे साथ ये हमारी सेवाओं को देखते हुए हमारे साथ अन्याय ना किया जाए। ये कितने टाइम से सेवाएं दे रहे हैं सर? हम लगभग 16 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं दूरदराज क्षेत्रों में और सबसे शोषित वर्ग हमारे हिमाचल प्रदेश में और सबसे ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। तो आज के दिन ये फतेहपुर ब्लॉक में दिया गया ज्ञापन या बाकी भी प्रदेश में? ये कार्यालय में, ये अलग अलग ब्लॉक से आज ही ज्ञापन दे गए, सभी दे रहे हैं। कि क्या मांगे रहेंगी आगे सरकार से? आगे सर, हमारी जयराम सरकार, जयराम जी की सरकार से हमें ये मांग करते हैं कि हमें फिक्स जो मानदेय दिया गया है, हमारा 3% जो इंक्रीमेंट थी उसको भी बंद कर दिया गया है, वो ना देकर हमें 10,300 का स्केल प्लस 4200 का जो ग्रेड पे है, जो बाकी सभी मतलब वर्ग हैं जैसे पीटी है पैरा है उनको दे दिया गया है। हम मांग करते हैं जयराम जी की सरकार से कि हमें भी 10,342 का ग्रेड पे दिया जाए, तथा जो हमें 3% की वार्षिक वृद्धि वीरभद्र सरकार के समय से दी जा रही थी उसे भी नियमित रखा जाए, हमें उसे वंचित न किया जाए। उसके साथ साथ हमें 144% का जो डीए है उसे भी सरकार द्वारा जारी रखा जाए और हमें 10,342 प्लस 144% डीए के साथ 3% की इंक्रीमेंट भी हमें दी जाए। ये हम हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।